अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले दोस्तों जो खबर कतर से आ रही, रेन सीजन सेट टू बिगन इन कतर ऑन फ्राइडे। दोस्तों कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जिसे QMD कहते हैं, उन्होंने कहा है 16 अक्टूबर से दोस्तों जो रेनी से जो बारिश का जो संभावना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और दोस्तों ये जो बारिश जो होगी ये 52 दिनों तक हो सकती है। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि वो डेली होगा, इस दिनों में दोस्तों कभी भी हो सकती, किसी वक्त भी हो सकती, डेली नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अब बारिश तो थोड़ी बहुत बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो थोड़ा घर में रहें, सावधान रहें। अगली खबर साथियों जो आ रही है, कस्टम फाइल नारकोटिक पिल स्मगल अटैम्प। दोस्तों आपको बता दूं, एयर कार्गो प्राइवेट एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट ने दोस्तों स्मगल करते हुए दोस्तों ड्रग्स की जो पिल होता है उसे मतलब सीज किया गया। दोस्तों बता दूं आपको, ये इसे मतलब जो कार्गो जहाज होता है उसमें से छुपा के लाया जा रहा था। तो साथियों फिलहाल अच्छी इसमें बात यह है कि सभी को पकड़ लिया गया है, जो भी लोग इसमें शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों जैसा कि आप फोटो देख सकते हैं, यही वो मतलब नारकोटिक सब्सटेंस है जिसे आप ड्रग्स भी कह सकते हैं, स्मगलिंग का सामान भी कह सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों सभी को सीज कर लिया गया, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर कतर से दोस्तों ये आ रही है, 78 न्यू गार्डन एंड पार्क टू कम्प्लीटेड 2023। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी इन्वायरमेंट द्वारा बताया गया कि 78 यानी 78 पब्लिक गार्डन और पार्क को खोला जाएगा। कब तक? 2023 तक। दोस्तों सभी में काम लगा हुआ और सभी में बहुत जोरों तोरों से काम लगा हुआ, तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मतलब सबको ओपन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बताया गया है कि 5,32,392 प्लांट उसमें लगाया जाएगा, जिनमें से 3,24,000 दोस्तों मतलब लगाया जा चुका है। और दोस्तों ये बता दूं आपको, 1,000 ट्री लगाया गया और खोर रोड जो है साइड में उस साइड रिजॉर्ट रिपोर्ट तरफ से उधर से लगाया गया है। अगली खबर साथियों जो आ रही, आमिर सेंट केवर कॉन्ग्रेचुलेशन टू किंग ऑफ स्पेन। दोस्तों कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और हाईएस्ट डिप्टी आमिर शेख अब्दुल्ला अल हमद थानी ने कल के दिन दोस्तों बधाई भेजी। किसे? स्पेन के जो दोस्तों जो किंग है उनको बधाई भेजी। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे दोस्तों नेशनल डे था, जिसके बाद उसके बाद कतर ने इसके लिए बधाई भेजी है, मतलब फ़ोन करके बताया और दोस्तों बाई खत भी मतलब उन्हें बधाई दी है। अगली खबर साथियों जो आ रही, हॉट वेदर एक्सपेक्टेड टुडे। दोस्तों आज के दिन आपको बता दूं साथियों, शाम 6 बजे तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। दोस्तों यदि वहाँ पे आप रह रहे तो आपको जरूर पता होगा। दोस्तों ऐसा बात किसने बताया? डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी द्वारा जो वेदर के बारे में बताता है उसके द्वारा बताया गया है। और दोस्तों बताया गया रात में 5 से लेकर 15 नॉट स्पीड तक वहाँ पे हवा वगैरह चल सकती है और 4 से 8 किलोमीटर विजिबिलिटी, मतलब दोस्तों मतलब धूल वगैरह भी उड़ेगा जिससे आपको देखने में परेशानी होगी, ड्राइव करने में परेशानी होगी। तो साथ ही कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को कतर की जानकारी हो सके। मिलते साथ उन्हें स्टूडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।